हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज़ एक्सेसिबल टू यू। सो क्विकली कंफर्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन। सो आज का हमारा फोकस रहेगा BFM के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 17 में लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के। सो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट में अब हम गवर्नेंस ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। गवर्नेंस ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड इशूड गाइडलाइंस ऑन एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में हम ALM कहते हैं, कवरिंग लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन सितंबर 1998, फरवरी 1999 एंड अक्टूबर 2007। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये गाइडलाइंस ALM के ऊपर है, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को भी कवर किया गया है। ओरिजिनली ये गाइडलाइंस 1998 में इशू हुई, सब्सिक्वेंटली इनको रिव्यू किया गया और अपडेट किया गया। द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप फॉर लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट शुड बी एज अंडर, इन गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक का जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए, वो इस तरह से होना चाहिए। सो लेट अस सी के ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा। सो सबसे ऊपर होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस फ्रेमवर्क में सबसे ऊपर होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने का ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। सॉरी फ्रेंड्स, बोर्ड शुड डिसाइड स्ट्रेटेजी पॉलिसीज प्रोसीजर्स टू मैनेज लिक्विडिटी रिस्क एज पर लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस लिमिट। सो बोर्ड को क्या डिसाइड करना होगा, बोर्ड को डिसाइड करनी होगी स्ट्रेटेजी पॉलिसीज प्रोसीजर्स टू मैनेज लिक्विडिटी रिस्क अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस लिमिट। सो बोर्ड ने जो टॉलरेंस लिमिट एक्सेप्ट की होगी, अकॉर्डिंग टू दैट ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पॉलिसीज होनी चाहिए, प्रोसीजर्स होना चाहिए। और यहाँ पे बैंक फॉलो करेगा प्रिंसिपल नंबर 2 ऑफ BCBS फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर मैनेजमेंट एंड प्रोविजन फॉर लिक्विडिटी रिस्क, सुपरविजन ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। तो ये 2008 का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं BCBS के, तो प्रिंसिपल नंबर 2 उसको बैंक फॉलो करेगा। रिस्क टॉलरेंस शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो रिस्क टॉलरेंस कितना है ये केवल बोर्ड अंडरस्टैंड नहीं करता हो, बोर्ड के साथ साथ इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दैट शुड बी एट ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज मैनेजमेंट जिन्होंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। So this tolerance limit should be clearly understood at all levels in the management. Board should ensure that
सो क्या सुनिश्चित करना होगा? सो बोर्ड को सुनिश्चित करना होगा, नंबर वन, इट अंडरस्टैंड नेचर ऑफ द लिक्विडिटी रिस्क ऑफ द बैंक इंक्लूडिंग लिक्विडिटी प्रोफाइल ऑफ ब्रांचेज सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज. तो बोर्ड को क्या सुनिश्चित करना होगा? दैट इट अंडरस्टैंड्स नेचर ऑफ लिक्विडिटी रिस्क ऑफ द बैंक. सो बैंक का जो लिक्विडिटी रिस्क है उसकी नेचर क्या है. इन एडिशन लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल क्या है, ब्रांचेस का, सब्सिडरीज का या बैंक के जो एसोसिएट्स हैं विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री. यानी इसमें दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा बोर्ड को, एक तो बैंक का लिक्विडिटी रिस्क क्या है और सेकेंडली बैंक का लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल क्या है और ये प्रोफाइल ब्रांचेस का भी देखना होगा, सब्सिडरीज का भी देखना होगा, अगर बैंक के एसोसिएट्स हैं तो उनका भी देखना होगा और डोमेस्टिक यानी विद इन द कंट्री कितना है और ओवरसीज कितना है तो ये भी देखना होगा. बोर्ड को और क्या सुनिश्चित करना होगा, पीरियोडिकली रिव्यू इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेंटेन दिस अंडरस्टैंडिंग, इस अंडरस्टैंडिंग को बरकरार रखने के लिए. तो पीरियोडिकली रिव्यू भी करना होगा इस इंफॉर्मेशन को. सो दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी रिव्यूड पीरियोडिकली. एस्टैब्लिश एग्जीक्यूटिव लेवल लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो बैंक को बोर्ड को सेटअप करनी होगी एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और उनके पास अथॉरिटी क्या होगी. सो दैट ऑल्सो हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट. एनफोर्सेस मैनेजमेंट्स ड्यूटीज टू आइडेंटिफाई मेजर मॉनिटर एंड मैनेज रिस्क. सो बोर्ड एनफोर्स करेगा जो मैनेजमेंट की ड्यूटीज हैं. सो ये ड्यूटीज आइडेंटिफिकेशन को लेकर के, रिस्क का मेजरमेंट को लेकर के, रिस्क के मॉनिटर करने को लेकर के या ओवरऑल मैनेज करने को लेकर के. तो ये ड्यूटीज को बोर्ड एनफोर्स करेगा. तो ये जो एग्जीक्यूटिव लेवल लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनको. फॉर्मुलेट रिव्यूज कंटिंजेंसी फंडिंग प्लान. तो बोर्ड ये भी सुनिश्चित करेगा कि वो फॉर्मुलेट करे और रिव्यू करे कंटिंजेंट फंडिंग प्लान्स को. सो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स बोर्ड को सुनिश्चित करने होंगे, बोर्ड को एंश्योर करने होंगे. सो बोर्ड से नीचे होगी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. सो टॉप के ऊपर बोर्ड, बोर्ड से नीचे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. रिस्क मैनेजमेंट कमेटी विच रिपोर्ट्स टू द बोर्ड, इसमें कौन कौन लोग होंगे? सो इट विल कंसिस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हो सकता है और सीएमडी भी हो सकता है, देन हेड्स ऑफ क्रेडिट डिपार्टमेंट, हेड ऑफ मार्केट डिपार्टमेंट, हेड ऑफ ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. तो ये इसके मेंबर्स होंगे आरएमसी के और इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इवेल्युएट ओवरऑल रिस्क फेस्ड बाय द बैंक इंक्लूडिंग लिक्विडिटी रिस्क. इनका काम है बैंक का ओवरऑल रिस्क को इवेल्युएट करना,
जिसमें लिक्विडिटी रिस्क भी इंक्लूडेड रहेगा। पोटेंशियल इंट्रैक्शन ऑफ लिक्विडिटी रिस्क विद अदर रिस्क शुड ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन द रिस्क एडजस्ट बाय रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो लिक्विडिटी रिस्क कैसे पोटेंशियली इंट्रैक्ट करता है दूसरे रिस्क के साथ, तो और उसको एड्रेस कैसे करना है, ये भी इस कमेटी का रोल रहेगा। बिकॉज लिक्विडिटी रिस्क दूसरे रिस्क को भी इंपैक्ट करता है। तो जो पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज हैं तो उनको भी ये कमेटी एड्रेस करेगी। इस कमेटी के नीचे है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी, शॉर्ट में हम इसको एल्को कहते हैं। सो एल्को में कौन कौन लोग होंगे? इट विल कंसिस्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, कंसिस्टिंग ऑफ बैंक्स टॉप मैनेजमेंट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एडहेरेंस टू रिस्क टॉलरेंस लिमिट्स सेट बाय द बोर्ड एज वेल एज इम्प्लीमेंटिंग लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ बैंक इन लाइन विद एंड बैंक्स डिसाइडेड रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क टॉलरेंसेज। तो एल्को का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये इंश्योर करेगी कि कंप्लायंस होना चाहिए रिस्क टॉलरेंस लिमिट्स का जिन्हें बोर्ड ने फिक्स किया है, और साथ में ये इंप्लीमेंट करवाएगी लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को। और लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वो बोर्ड ऑलरेडी अप्रूव कर चुका होता होगा। देन एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप, तो टॉप पे पर होगा हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके नीचे हुआ आरएमसी, उसके नीचे हुआ एल्को, उसके नीचे हुआ ALMSG, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप। ALMSG का रोल क्या रहेगा? इसमें ऑपरेटिंग स्टाफ आएगा बैंक का, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग द लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल टू एल्को। सो मैं रिपीट कर रहा हूं, इस ग्रुप में बैंक का ऑपरेटिंग स्टाफ रहेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? बैंक का जो लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल है उसको एनालाइज करेगा ये ग्रुप, मॉनिटर करेगा और रिपोर्ट करेगा उसके बाद एल्को को, एसेट लायबिलिटी कमेटी को। द ग्रुप शुड प्रिपेयर फोरकास्ट शोइंग इफेक्ट ऑफ वेरियस पॉसिबल चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस ऑन बैंक्स लिक्विडिटी पोजिशन एंड रिकमेंड एक्शन नीडेड टू बी टेकन टू मेंटेन लिक्विडिटी पोजिशन एंड अडहेरेंस टू बैंक्स इंटरनल लिमिट्स। तो ये ग्रुप और क्या करेगा? ये फोरकास्ट करेगा यूजिंग सिमुलेशंस। सो फोरकास्ट करेगा जिसमें बताया जाएगा सो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ पॉसिबल चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस ऑन बैंक्स लिक्विडिटी पोजिशन। जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आती हैं तो उन चेंजेस से बैंक की लिक्विडिटी पोजिशन अफेक्ट होती है, तो वो चेंजेस क्या पॉसिबली होंगी और उनका इम्पैक्ट क्या रहेगा, तो दैट विल ऑल्सो बी फोरकास्ट बाय दिस ग्रुप। और फोरकास्ट करते समय ये रिकमेंड भी करेगा कि बैंक को क्या एक्शन लेना चाहिए लिक्विडिटी पोजिशन को मेंटेन करने के लिए विद इन द इंटरनल लिमिट्स। तो ये हो गए ब्रॉडली फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स। अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को हम देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं और अपने आप को टेस्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हु
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स है, आरएमसी, एल्को, बोर्ड या एएलएम सपोर्ट ग्रुप। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क इन द बैंक। तो यहां पे आंसर हमारा बनेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वेश्चन टू, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड इन मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इंप्लीमेंटिंग लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, एस्टैब्लिश एग्जीक्यूटिव लेवल लाइंस ऑफ अथॉरिटी, प्रिपेयर लिक्विडिटी रिस्क फोरकास्ट, रिव्यू इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेंटेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी बोर्ड की? क्वेश्चन नंबर टू, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी, वो एस्टैब्लिश करेगा एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंड्स, हमारे जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक डिसलाइक को कंप्लीट नहीं किया है, वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दें। तो जो लाइव क्लास के स्टूडेंट है वो तुरंत कर देंगे, और जो इस वीडियो को सब्सिक्वेंटली रिकॉर्डेड वर्जन देखेंगे तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को पॉज करके लाइक डिसलाइक के प्रोसेस को कंप्लीट करें। आपके लाइक डिसलाइक से बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं जिनको एनकरेजमेंट मिलता है इस वीडियो को देख करके बेनिफिट लेने का, तो इसलिए जस्ट स्पेंड फ्यू मोमेंट्स यस डू इट क्विकली। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का कि आपने लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, व्हाट इज पर्पस ऑफ आरएमसी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्या रोल है, उसका क्या पर्पस है? इवेल्यूएशन ऑफ लिक्विडिटी रिस्क ओनली, इवेल्यूएट ओवरऑल रिस्क फेस्ड बाय बैंक इंक्लूडिंग लिक्विडिटी रिस्क, इंप्लीमेंटिंग लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी या प्रिपेयरिंग लिक्विडिटी रिस्क फोरकास्ट। सो रोल ऑफ आरएमसी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। सो इसका रोल रहता है इवेल्युएटिंग ओवरऑल रिस्क फेस्ड बाय बैंक इंक्लूडिंग लिक्विडिटी रिस्क, ये लिक्विडिटी रिस्क को भी इवेल्युएट करती है और ओवरऑल रिस्क बैंक क्या फेस कर रहा है इसको भी इवेल्युएट करती है। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर अडहेरेंस टू रिस्क टॉलरेंस लिमिट सेट बाय बोर्ड। सो बोर्ड ने जो रिस्क टॉलरेंस लिमिट सेट की हैं तो उनको अडहेयर करना ये कौन सुनिश्चित करेगा, एएलएम सपोर्ट ग्रुप, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, एसेट लायबिलिटी कमेटी या बोर्ड अपने आप? क्वेश्चन नंबर फोर, सो क्वेश्चन नंबर फोर में आंसर रहेगा सी, एसेट लायबिलिटी कमेटी। सो ये इंश्योर करेगी कि रिस्क टॉलरेंस लिमिट्स जो बोर्ड ने सेट की हैं उनका कंप्लायंस हो रहा है। Who is responsible to analyze, monitor, report liquidity risk profile to ELCO? RMC, ALM support group, ELCO या board of directors? किसकी responsibility है? Analyze करना, monitor करना, report करना liquidity risk profile को? So this responsibility lies with the support group. What should board directly periodically review? So board, what should the board of directors periodically review? Bank's liquidity risk profile,
effect of various possible changes in market conditions, bank's internal limits, या information necessary to maintain understanding of liquidity risk. So what should board periodically review? Question number 6, what shall be the answer? So answer here is D, information necessary to maintain understanding of the liquidity risk. तो इसको पीरियडिकली रिव्यू करेगा बोर्ड. हु इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मुलेट रिव्यू कंटिंजेंट फंडिंग प्लान्स? एल्को, आरएमसी, बोर्ड या एएलएम सपोर्ट ग्रुप? फॉर्मुलेशन एंड रिव्यू ऑफ कंटिंजेंट फंडिंग प्लान किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? So, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की. विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेल्युएटिंग द पोटेंशियल इंटरेक्शन ऑफ लिक्विडिटी रिस्क विद अदर रिस्क? किस कमेटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इवेल्युएट के पोटेंशियल इंटरेक्शन जो है लिक्विडिटी रिस्क का दूसरे रिस्क के साथ? आरएमसी, एल्को, बोर्ड या एएलएम सपोर्ट ग्रुप? So, किसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इवेल्युएट करने की? क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर हमारा बनता है आरएमसी. व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एएलएम सपोर्ट ग्रुप? सो ये सबसे लोअर लेवल वाला ग्रुप है. Establishing executive level lines of authority, evaluating overall risk faced by bank including liquidity risk, preparing liquidity risk forecasts or monitoring reporting of liquidity risk profile to the ALCO. So what is the responsibility of ALM support group? So kya responsibility hai? Question number 9, what will be the answer? So answer here will be monitoring and reporting liquidity risk profile to ALCO. So not only that, agar hum ALM support group ki responsibility ko dekhen to wo liquidity risk forecast bhi prepare karta hai. So preparation of liquidity risk फोरकास्ट बेस्ड ऑन डिफरेंट सिमुलेशंस. तो इसमें जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा वो इंस्टेड ऑफ डी अलोन लेट अस से सी एंड डी. आंसर विल बी सी एज वेल एज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी? किस कमेटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आरएमसी की, एल्को की, बोर्ड की या एएलएम सपोर्ट ग्रुप की? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी तो बोर्ड अप्रूव करता है, इसको इम्प्लीमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? So this responsibility lies with Asset Liability Management Committee, that is ALCO. What should a bank establish in its funding strategy to provide effective diversification in source and tenor of funding? What should bank establish in its funding strategy to provide effective diversification in sources and tenor of funding? तो यहां पे हमारा आंसर बन जाएगा सी. तो ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था लास्ट वन. इसको दोबारा से पढ़ लीजिए और आंसर को भी देख लीजिए.
लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी स्ट्रेटेजी एंड प्रैक्टिसेस। अब हम इस पार्ट को डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी स्ट्रेटेजीज एंड प्रैक्टिसेस। सो बैंक्स शुड हैव इन प्लेस इफेक्टिव लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी विच शुड स्पेल आउट। तो बैंक के पास इफेक्टिव लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें किन आस्पेक्ट्स को कवर किया जाना चाहिए। सो फर्स्ट बैंक मस्ट पुट इन प्लेस इफेक्टिव लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड दिस पॉलिसी मस्ट स्पेल आउट नंबर वन लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस क्या रहेगा। सो कहां तक बैंक लिक्विडिटी रिस्क को टॉलरेट कर सकता है, तो ये उस पॉलिसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। देन दिस पॉलिसी शुड स्पेल आउट द फंडिंग स्ट्रेटेजी। देन प्रूडेंशियल लिमिट्स क्या होंगी, प्रूडेंस लिमिट्स क्या रहे होंगी। सो ये रहेंगी इस रिस्क टॉलरेंस के मुताबिक। सिस्टम ऑफ मेजरिंग द लिक्विडिटी रिस्क क्या रहेगा, व्हाट विल बी सिस्टम ऑफ मेजरिंग क्वांटिफाइंग द रिस्क। असेसिंग एंड रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग लिक्विडिटी फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेस टेस्टिंग। लिक्विडिटी प्लानिंग अंडर अल्टरनेटिव सीन्स और फॉर्मल कंटिंजेंसी फंडिंग प्लान। नेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ एजम्पशंस यूज्ड इन लिक्विडिटी प्रोजेक्शन। सो जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी उस पॉलिसी में इन सभी एस्पेक्ट्स को माइंड में रखना होगा। लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस क्या है बैंक का, फंडिंग स्ट्रेटेजी क्या होंगी लिक्विडिटी रिस्क अगर अराइज होता है, प्रूडेंशियल लिमिट्स क्या रहेंगी, मेजर करने का सिस्टम क्या रहेगा, और असेसिंग एंड रिपोर्टिंग स्ट्रेस टेस्टिंग के द्वारा, लिक्विडिटी प्लानिंग अंडर अल्टरनेटिव सिनेरियो, और जो एजम्पशन जिनके बेसिस के ऊपर लिक्विडिटी प्रोजेक्ट की गई उन एजम्पशंस को रिव्यू करना पीरियोडिकली। तो इस पॉलिसी में ये सारे के सारे एस्पेक्ट कवर होने चाहिए। पॉलिसी शुड ऑल्सो एड्रेस लिक्विडिटी सेपरेटली फॉर इंडिविजुअल करेंसीज, लीगल एंटिटीज लाइक सब्सिडरीज, ज्वाइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स एंड बिजनेस लाइन्स एंड इंश्योर दैट दे आर अप्रोप्रिएट एंड मटीरियल। तो पॉलिसी जो लिक्विडिटी की असेसमेंट को एड्रेस करेगी सेपरेटली डिफरेंट करेंसीज के लिए। सो बैंक से एसोसिएटेड जो एंटिटीज हैं उसकी सब्सिडरीज हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, एसोसिएट्स हैं या बिजनेस लाइंस हैं, और पॉलिसी इंश्योर करेगी कि दीज आर अप्रोप्रिएट एंड मटेरियल। पॉलिसी शुड प्लेस लिमिट ऑन ट्रांसफर ऑफ लिक्विडिटी कीपिंग इन व्यू रेगुलेटरी लीगल एंड ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स। तो पॉलिसी लिमिट्स सीलिंग्स प्लेस करेगी लिक्विडिटी को ट्रांसफर करने के ऊपर, एंड वाइल डूइंग सो रेगुलेटरी लीगल एंड ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स को भी माइंड में रखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप करने से पहले आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो उसे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई अदर क्वेरी है तो उसे आप
इस ईमेल आईडी के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, या हमारी ऐप का मैसेज बॉक्स है तो वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। हम सूटेबली आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।